हेलो एवरीवन मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल ये फिफ्टीन अगस्त से लेकर ट्वेंटी तो अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं टैरो प्रडिक्शन्स हैं और देखिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट एनर्जीज थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस इंटेंशंस देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और देखिए अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 होता है अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड सेकेंड थिंग बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें तो देखिए टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं चाहे फिर वो आपका सन साइन हो मून साइन हो एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशि फल तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स एंड पाथ्स आर और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप बहुत सेफ़ बहुत सिक्योर होके स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि आप एक कम्फर्ट जोन में रहना चाह रहे हैं आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हुए दिख रहे हैं और देखिए जब भी, भी हम बहुत सेफ़ बहुत सिक्योर होके चलते हैं टॉरस हम कहीं अगेन मैं कहूँगी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेते हैं तब हम बहुत सारे ऑप्शनस बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट करते हैं जो हमारी लाइफ में एक ग्रोथ एक प्रोग्रेस ला सकती हैं और देखिए पाँच सन के कार्ड को भी आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं इस फिगर के सामने तीन रास्ते हैं एक रास्ता बहुत ही क्लियर है और दो साइड में रास्ते हैं जिनको वो नहीं देख रही है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये उसी रास्ते पे आगे बढ़ेगी जो इसको क्लियर दिख रहा है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग भी ऐसा ही करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस कार्ड का मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिना सोचे समझे कोई रिस्क लें लाइफ में फिर से मैं कहूँगी कैलकुलेटेड रिस्क आप जरूर लें क्योंकि देखिए जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं तब तक एक ग्रोथ एक प्रोग्रेस हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं हम सिर्फ यू you नो know, जितना हमेशा से कर रहे हो होते हैं उसी में ही फिक्सेटेड रह जाते हैं हम अगेन मैं कहूंगी बहुत एक ग्रोथ बहुत एक एक्सपेंशन बहुत एक प्रोग्रेस नहीं ला पाते हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन कोई चॉइस लेनी है और कहीं आप यू you नो know, एक सेफ़ रास्ता अपने लिए चूज़ करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और देखिए इसी डिसीजन इसी चॉइस से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी या तो आप पास्ट की किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पास्ट की किसी यू नो जॉब इवेंट टीम या फिर किसी इंसान किसी सिचुएशन पे अगेन ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर पास्ट से कोई चीज़ इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है जिसकी जैसे आपको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं और आप बहुत ज्यादा यू you नो know, सेफ होके चल रहे हैं या फिर आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी है तो देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे हैं और पुरानी किसी चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आपको ऐसे लग रहा है कि अब भाई आप कोई रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि पास्ट का आपका एक्सपीरियंस ठीक नहीं था तो जो भी हो टॉरस नटशेल में ये कार्ड्स कहते हैं कि आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लें अगर आप एक ग्रोथ एक प्रोग्रेस अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लाना चाहते हैं आप यू नो नेक्स्ट लेवल पे अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जाना चाहते हैं एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द रिवर्स एंड कमिटमेंट और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि या तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे बहुत रिजिड हो रहे थे और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इतना रिजिड हो के काम नहीं बनेगा और इन्हीं रिजिड एनर्जीज में से आप अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं या फिर इस वीक ही आप ओवर रिजिड ओवर फिक्सेट किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं और हम सब लोगों ने बचपन में सुना है कि जो नीवा यू you नो know, डाली होती है उसी को ही फल लगता है यानी कि बहुत रिजिड हो के हमारे काम नहीं बनते हैं और देखिए रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं हमें पता होना चाहिए कि कब हमें चीजों को लेकर फिक्सेटेड होना है कब फ्लेक्सिबल होना है जैसे दिन रात यू you नो know, एक साथ चलते हैं कोई भी चीज़ अगर नहीं होगी तो देखिए हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी यानी कि अगर पूरा टाइम दिन होगा तो भी हमारी लाइफ अजीब सी हो जाएगी और अगर पूरा टाइम रात होगा तो भी यू you नो know, एक बैलेंस्ड हमारी लाइफ नहीं रहेगी इसी तरीके से हमें दोनों ही चीज़ों को या फिर हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में ही रखना चाहिए एंड देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिलीजियस स्परिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट करना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि, कि किसी रिलीजियस सेरेमनी को इस वीक आपको अटेंड करना पड़ रहा है या फिर आप कर रहे हैं ये रिलीजियस सेरेमनी भी सब लिए डिफ़र कर सकती है कुछ के लिए शादी हो सकती है देखिए शादी भी रिलीजियस प्लेसेस में होती है कुछ के लिए बच्चे का नामकरण हो सकता है कुछ के लिए सिंपल सत्संग हो सकता है सिंपल यू नो कोई पूजा हो सकती है तो फिर से मैं कहूँगी किसी भी तरीके की रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है जिसको आप अटेंड करना चाह रहे हैं या फिर देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप सिंपली यू नो स्परिचुअल चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं स्परिचुअल एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं और देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जो भी बड़े हैं आपके घर में उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है डिसग्रीमेंट्स हो रहे हैं कुछ इश्यूज कुछ मसले हो रहे हैं एंड डीपर लेवल के लिए कमिट कमिटमेंट का कार्ड कहता है या तो आप बहुत कमिटेड तरीके से बहुत डिवोटेड डेडिकेटेड तरीके से हर चीज़ को अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं या फिर आपको किसी से किसी लेवल की कमिटमेंट मिल रही है यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे हैं कर रहे हैं कोई पेपर वर्क भी इस वीक आप करते हुए दिख रहे हैं एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए इन्फिनाइट अबंडेंस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है अबंडेंस इज़ पोरिंग इन टू योर लाइफ तो देखिए हम सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में अबंडेंट एनर्जीज़ हैं और जब हम इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ का एहसास रखते हैं तो हम भी इस अबंडेंस को अपनी लाइफ में ला पाते हैं लेकिन जब हम किसी भी रीज़न की वजह से इस चीज़ को भूल जाते हैं और जो भी चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती हैं हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं उन पर बहुत फोकस करते हैं उनको लेकर बहुत परेशान होते हैं तब कहीं एक लैक वाली एनर्जीज हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और देखिए कहीं इसी चीज को फिर हम और ज्यादा बढ़ाते भी हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि यूनिवर्स में अबंडेंस है और इस चीज की रियलाइजेशन आप रखें इसी एनर्जी में आप वाइब्रेट करें ताकि यही अब आप अपनी लाइफ में भी ला पाए एंड स्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएँ कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए